तो मास्टर नहीं है। अरे चलो, आई 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 आई, मास्टर नहीं आई। ये ले, आ गई फिर पढ़ाने। ए चल तू जा अंदर, कहीं इसकी मनुष्य छाया का असर तुझ पर ना पड़े। पढ़ लिख कर क्या करेगी, वैसे भी चूल्हा ही तो संभालना है, बच्चे ही तो संभाले, कपड़े ही तो धोने। बढ़िया स्त्रियों को शिक्षित करने वाली। राम राम मास्टरनी भाई। सासू भाई, ओ सासू भाई, क्या है? हाँ राम 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 राम। अरे क्यों बहका रही हो हमारे बाल बच्चों को? उस फूले ने तो तुझे छोड़ दिया पढ़ा लिखा कर ज्ञान बांटने को, और तू मुई मुंह उठा कर चली आई बेशरम कहीं की। औरत जात पर कलंक हो कलंक, तेरी तो अकल पर ही गोबर पड़ा है। सावित्री, सावित्री, जानता हूं मैं तुम्हारे साथ आज जो भी हुआ सब कुछ जानता हूं मैं सावित्री। देखो सावित्री, यह समाज झगड़ा हुआ है अपने ही बंधनों में, अपने अज्ञान में ही आनंदित रहते हैं लोग। ब्राह्मण पाप पुण्य की भाषा करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि नारी को अज्ञान में रखकर कितना बड़ा पाप किया है उन्होंने। मनु ने कहा था, नहीं लिखा था, कि नारी को शिक्षा ग्रहण करना पाप है। सावित्री, हम नारी को शिक्षित करके मनु के इस विधान से मुक्त करेंगे। नारी अज्ञान से मुक्त हुई तो सारा समाज मुक्त हो जाएगा। ये समाज परंपरा को तोड़ना नहीं चाहता, अगर कोई उन्हें शिक्षित करने का प्रयत्न भी करे तो उसे अपमानित किया जाता है। ब्राह्मणवाद का अहंकार उस पर गोबर फेंकता है। इसे निराश नहीं होना चाहिए सावित्री, बिल्कुल नहीं। हमें कई बार अपमानित होना होगा। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, अब तो मैं भी इतना जान चुकी हूँ कि इन लोगों से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती, ये तो अपमान ही करेंगे। मैं विचलित नहीं हूँ, जरा भी नहीं। मैं तो ये सोच रही थी कब तक इन लोगों को शिक्षा का महत्व समझ में नहीं आएगा, कब तक ये लोग अज्ञान के अंधेरे में रहेंगे। हमें इन्हें शिक्षित करना ही होगा। जब तक महिलाएं और समाज के निचले तबके के लोग शिक्षित नहीं होते, मैं शिक्षा का प्रसार करती रहूंगी, ये मेरा दृढ़ संकल्प है।